हेलो एवरीवन आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फूड वेब पहले लेक्चर में हमने फूड चेन डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे वेब मींस होता है जाल तो यहाँ हमें देखना है कि फ़ूड वेब का मतलब क्या है देखिए फूड वेब क्या है जैसे मैंने आपको फूड चेन बताया था फूड चेन में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को खाते थे ऐसे पूरा एक क्या था साइकिल बना हुआ था ठीक है वो कहलाता था फूड चेन यहाँ पे क्या है फूड वेब वेब का मतलब क्या होता है जाल ठीक है तो जाल की फॉर्म में यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है ए बी तो क्या होगा ये कई ऑर्गेनिज्म को खाएगा यहाँ पे उसका जो सोर्स है वो कोई एक नहीं होगा वो अगर वो ऑर्गेनिज्म ना मिले तो वो उसकी जगह दूसरे को भी खा के रह सकता है जैसे ह्यूमन बींग है ह्यूमन बींग वेजिटेरियन ओमनी है ठीक है वो सब्जियाँ खाता है सब्जियों में भी उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिवस हैं कि वो दूसरी चीज़ें खा सकता है तो फूड वेब हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो भी प्राणी हैं और वेजिटेशन के साथ में वो कैसे एक दूसरे से फूड लेते हैं एक जाल की फॉर्म में ठीक है किसी एक सोर्स से नहीं मल्टीपल सोर्स से लेते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन इन एन इको सिस्टम द नेचुरल इंटरक्शन इंटरकनिक ऑफ़ अ नंबर ऑफ़ फूड चेन मेक अ वेब लाइक अरेंजमेंट नोन एज फूड वेब तो क्या है कि एक ईको सिस्टम है जहाँ पर नेचुरल इंटरकनेक्शन है ठीक है जो क्या है प्राकृतिक इंटरकनेक्शन होगा उन प्राणियों के बीच में फूड चेन मेक्स अ वेब लाइक अरेंजमेंट और वो कैसा बन जाएगा जाल की तरह बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे खाद जाल कहेंगे या फूड वेब कहेंगे इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर देखिए ये स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करेगा जैसे यहाँ पे क्या है कि ये ए बी सी जो थे ऑर्गेनिज्म थे ये एक दूसरे के द्वारा खाए जा रहे थे ठीक है यहाँ पे फिर एक जाल बना हुआ है तो इसमें क्या है किसी का भी नंबर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और किसी एक के ख़त्म हो जाने पर यह स्पीसीज खत्म नहीं हो जाएगी इसकी डेथ नहीं होगी तो क्या है इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइड मोर अल्टरनेटिव फूड टू कंज्यूमर एज अ रिजल्ट दे बिकेम पोलीफेगस यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल सोर्स मिलेंगे मैंने बताया आपको कि वो किसी एक ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा वो एक से ज़्यादा को खाएगा इसलिए वो कैसा होगा पॉलीफेगस होगा दे आर वेरियस थर्ड नंबर देखते दे आर वेरियस फीडबैक चेक ऑपरेट इन फूड वेब दैट कीप दॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज नियरली कॉन्स्टेंट और इससे क्या होगा कि जो फूड वेब में जो भी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनिज्म वो सारे क्या रहेंगे उनका जो नंबर है वो लगभग कॉन्स्टेंट रहेगा डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट वुड नेचुरली कॉज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव herbivores, the द माउस देखिए यहाँ पे क्या है कि जो खरगोश है वो भी क्या खा रहा है ग्रास को खाएगा ठीक है यहाँ पे रैबिट जो है और जो माउस है वो भी क्या कर रहा है वो खाएगा ग्रास को तो ये क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ rabbit अगर जो रैबिट है उसका पॉपुलेशन क्या हो जाता है घट जाता है तो वुड नेचुरली कॉज एन इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हर बी तो जो उसके अलावा वहाँ पे हर बी हैं वो क्या होंगे बढ़ जाएंगे जब किसी जगह पे कंपटीशन नहीं रहता तो वहाँ पे उसका नंबर बढ़ने लगता है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है नंबर वहाँ पे घटने लगता है जो हाँ जो आपने देख सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो कंडीशन है वो है जो संघर्ष में जीत जाता है वो ज़िंदा रहेगा जो संघर्ष में हार जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी दे मे कॉ ड्रीज द प पोपेशन ऑफ़ द कंज्यूमर कार्निवर्स डेट प्रिफर टू फीड ऑन रेबिट दस अल्टरनेटिव सोर्स फॉर मेन्टेनेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इको सिस्टम अब देखते हैं कि मोर ओवर अ बैलेंसड इकोसिस्टम इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ़ द इकोसिस्टम क्या कभी आपने ये सोचा कि जो पढ़ाया मैंने आपको फूड चेन उसमें हम वो क्यों पढ़ रहे हैं आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो तो क्या है कि हम भी उससे जुड़े हुए हैं ना पूरे के पूरे साइकिल में ह्यूमन भी वहाँ पे आ रहा है तो इसमें क्या है कि जो एक साइकिल चल रहा है नेचर क्या है एक बैलेंस्ड फॉर्म में है अगर यहाँ से किसी भी एक चीज़ को हम हटा दें तो क्या होगा दूसरे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसे आपने देखा सुना होगा कि जो ओशियन है उसमें सी होते हैं ठीक है वहाँ पे सी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन क्या होता है कि वो किसी दूसरे फिश के थ्रू या फिर दूसरे एनिमल होते हैं ओशियन में वो उन्हें खा लेते हैं जिससे क्या है उनका नंबर घटता रहता है वरना उनका नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बाकी ऑर्गेनिज्म को वहां पे एनिमल को रहने ही नहीं देंगे यहां देखती फीचर्स इसके फूड वेब इज मोर रियल दैन फूड चेन तो फूड वेब क्या है वो ज्यादा रियल है उसके कंपेरिजन में फूड वेब इज नॉट स्ट्रेट लीनियर लाइक चेन ये स्ट्रेट नहीं है जाल है एक ठीक है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये क्या है एक जाल की फॉर्म में फूड वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन फूड चेन ये तो अंडरस्टूड है कि वो ज़्यादा कॉम ये जो फूड वेब है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू फूड चेन वहाँ पे क्या है एक साइकिल की फॉर्म में सारे के सारे जो एनिमल हैं जो प्लांट्स हैं वो कैसे अरेंज हैं बट यहाँ पे क्या है कि जो वेब है मल्टीपल सोर्सेज निकल कर आ रहे हैं तो दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू फूड चेन यहाँ देख लेते हैं हम ट्रॉफिक लेवल देखते हैं सबसे पहले इसमें देखिए ऑटोट्रॉफ्स ये क्या हैं प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप पोषी फिर हर्बी बोर्स हैं ये इसको खाने वाले जो प्लांट्स हैं उसको खाने वाले फिर इन इंसेक्ट को खाने वाला क्या है एक स्कॉर्पियन है स्कॉर्पियन क्या करेगा छोटे छोटे इंसेक्ट को खा जाएगा और स्कॉर्पियन को कौन खा जाता है फॉक्स खा जाता है ठीक है ये इसे खा जाएगा ऐसे ही यहाँ पे जो गोल्डन ईगल है वो क्या करेगा वो रेड को खा जाएगा यहाँ पे जो स्क्वायरल है यहाँ पे यार रेड होगा ठीक है जो हरबी होंगे ये उन्हें खा जाएगा तो देखिए प्राइमरी ये सेकेंडरी ये, ये थर्ड और ये फोर्थ तो ये पूरा का पूरा क्या है एक सिस्टम बना हुआ है एक सीक्वेंस में नहीं है ये साइकिल की फॉर्म में नहीं इसमें क्या है ये मल्टीपल सोर्सेज की फॉर्म में है जैसे अगर यहाँ पे इसे स्कॉर्पियन ना मिले तो ये किट फॉक्स किसे खा लेगा ये स्क्वायरल को खा लेगा यहाँ पे अगर माउस है तो ये क्या करेगा माउस को खा लेगा ऐसे है इसका सिस्टम पूरा यहाँ देखिए एक दूसरी फूड वेब में देखते हैं हम ये ग्रीन प्लांट्स हैं ग्रासेस जो स्वयं पोषी होंगी अपना भोजन खुद बनाएंगी इन पर फीड करने वाले कौन कौन से होंगे कैटर पिलर होगा यहाँ पे ठीक है कैटर पिलर होते हैं जो प्लांट्स को कट करके खाते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं कैटर पिलर यहाँ पे ये क्या है रैबिट है खरगोश भी क्या खाएगा घास खाएगा ग्रास को और ग्रासों पर भी क्या खाएगा ग्रास खाएगा ये तीनों ही क्या हैं हर्बी हैं अभी हर्ब को खा रहे हैं इसने क्या करता है कैटरपिलर को खाएगा ओके okay? और स्नैक को कौन खा जाएगा हॉक खा जाएगा और आउल खा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हॉक है और जो आउल है वो सिर्फ स्नैक को खाते हैं वो क्या करेंगे अगर उन्हें स्नैक नहीं मिलता है तो वो रेबिट को भी खा जाएंगे ठीक है और यहाँ पे देखिए जो ब्लू जे है वो किसे खाती है वो खाती है ग्रास ओपर को और जो आउल है वो किसे खा जाता है ब्लू जे को तो यानी कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज बन गए हैं ये जो आउल है उल्लू उल्लू स्नेक को भी खा सकता है और उल्लू ब्लू जे को भी खा सकता है जो हॉक है वो स्नेक को भी खाएगा और वो रेबिट को भी खाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या है कहने का मतलब वही है कि जो फूड चेन है वहाँ पे एक चेन की फॉर्म में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है एक सीक्वेंस चल रहा है जैसे हमने पढ़ा था ये प्लांट्स हैं ये यहाँ पे इंसेक्ट हैं इंसेक्ट या फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे माउस स्क्वायरल इनको खाने वाले और बड़े ऑर्गेनिज्म थे जैसे यहाँ पे जेकॉल और इनको खाने वाले और थे यहाँ पे लॉयन ठीक ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसे था लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक जाल की फॉर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म मोर देन वन को खा सकता है और इस तरीके से क्या होगा उसकी डेथ नहीं होगी हमने पढ़ा कि ये ज़्यादा स्टेबल होंगे क्यों होंगे ये क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसे स्नेक ना मिले तो ऐसा नहीं है कि इसकी डेथ हो जाएगी या स्नेक का नंबर बहुत कम हो जाने पर भी ये मरेंगे नहीं ये उसकी जगह पे किस पे फीड कर लेंगे ये रेबिट को खा सकते हैं ठीक है और अगर आउल है उसको भी स्नेक नहीं मिलता तो वो ब्लू जे को खा सकता है चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस फूड चेन और फूड वे में इट इज स्ट्रेट लीनियर सिंगल पाथवे बताया था इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द फूड चेन सो इट हैज हैजिग्जैक जिक्जैक शेप का मतलब होता है कि इस तरीके से कैसे भी चलना ठीक है तो ये क्या है एक वेब है जाल के फॉर्म में है तो ये किसी भी डायरेक्शन में चलेगा कंज्यूमर हैव लिमिटेड चांसेस टू गेट फूड जब कंज्यूमर एक चेन की फॉर्म में है एक ऑर्गेनिज्म बस उसी को ही खा सकता है तो वहाँ पे क्या है कम चांसेस हैं लिमिटेड चांसेस हैं फूड के बट यहाँ पे कंज्यूमर के पास में क्या बेटर चांस है अगर उससे एक चीज़ नहीं मिलती तो वो दूसरी खा लेगा प्रेजेंस ऑफ सेपरेट और आइसोलेटेड फूड चेन एड्स टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द एको सिस्टम यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सेपरेट और आइसोलेटेड फूड चेन एड टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इको सिस्टम यहाँ पे अगर प्रेजेंस है एक आइसोलेटेड फूड चेन की तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी होगी लेकिन प्रेजेंस ऑफ द फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ़ द इको लेकिन अगर फूड वेब है तो वो इको ज़्यादा लंबे टाइम तक मेनटेन रहेगा क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक फ़ूड ना मिलने पर दूसरे अल्टरनेटिव है उसके पास एंड ही कैन ईट दैट इट डज़ नॉट एड टू एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसमें क्या हो एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी वो किसी भी एक कंडीशन में रहने के लिए ही एडॉप्ट हो चुके हैं उसके लिए ही बेस्ट फिट हैं अगर उनके पास वो कंडीशन नहीं है तो वो कैसे हैं वो उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं है और उनकी डेथ हो जाएगी और कॉम्पटिशन बिल्कुल नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फूड है अगर आपको चार लोग कोई हैं वो भूखे हैं और वहाँ पे एक पर्सन का खाना दिया जाए ठीक है तो यहाँ पे अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो मिल बांट के खा लेंगे बट अगर वो एक एनिमल है तो क्या करेगा वो उस खाने को खाने के लिए लड़ेगा फ़ाइट करेगा और जो उस फाइट में जीत जाएगा वो खाना वो खा लेगा तो ऐसे यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन नहीं है सबका अपना अपना फूड है आराम से खा रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या है इनक्रीज एडेप्टबिलिटी एडेप्टिलिटी ज़्यादा होगी इनके अंदर और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और कंपटीशन होगा इनके अंदर कि ये फूड मुझे मिले किसी भी एक फूड के लिए दो लोग वहाँ पे फाइट कर रहे हैं तीन लोग वहाँ पे फाइट कर रहे हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर आर लिमिटेड सिंगल हैबिट कंज्यूमर आर फाउंड सिंगल हैबिट मतलब एक ही टाइप का खाना खाने वाले मिक्सड फूड हैबिट कंज्यूमर आर present और यहाँ पे क्या होगा मिक्सड हैबिट के होंगे जैसे ह्यूमन being है वो वेज भी खाएगा नॉन वेज भी खा लेगा ऐसा नहीं है कि अगर उसे वेज ना मिले तो वो मर जाएगा मैं बात उनकी कर रही हूँ जो नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पे है अगर एक अल्टरनेटिव उसे नहीं मिलता है तो वो दूसरे की तलाश कर लेगा और उसे खाएगा तो यहाँ पे क्या इनके अंदर इस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फूड चेन लाइक तो आज के लिए इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब